हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हम लोग पढ़ रहे थे एरर, तो उसका थ्योरी का हम लास्ट करेंगे आज। थ्योरी तो लगभग समाप्त हो चुका है, प्रॉब्लम का लास्ट लास्ट करेंगे, ठीक ना? तो हम लोग पढ़े थे कि अगर मान लो कि जेड इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट के हो, ए टू द पावर एम हो, बी टू द पावर एन हो, सी टू द पावर आर हो, के ए टू द पावर एम हो, बी टू द पावर एन हो, सी टू द पावर आर हो, तो डेल जेड बाई जेड जो होगा वह कांस्टेंट को नहीं लिखते हैं, बताए थे एम डेल ए बाई ए इंटू 100 पढ़ चुके हैं, प्लस एन डेल बी बाई बी इंटू 100 पढ़ चुके हैं, आर डेल सी बाई सी इंटू 100 पढ़ चुके हैं, ठीक है ना? तो कोई भी सवाल होगा हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जेड, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी, इसको पढ़ेंगे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ सी, ठीक है? यहां तक लोग पढ़ चुके हैं, ठीक। देखो कुछ फॉर्मूला हम बता देते हैं, क्योंकि आप लोग मैट्रिक पास करके आए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आप नहीं जानते होइएगा। कुछ सवाल जब नहीं बनेगा तो आप घबराएंगे नहीं, इसलिए इसका जो चैप्टर का यूज होता है हर चैप्टर में होता है, पूरे फिजिक्स में लगभग सब जगह यूज होता है, जहाँ पर मेजरमेंट में एरर हो या थोड़ा बहुत का चेंज हो वहाँ पर। तो कुछ फॉर्मूला ले देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक। जैसे मान लो कि तुमको देगा जो कि सिंपल पेंडुलम के बारे में, सिंपल पेंडुलम नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? सुने हैं सिंपल पेंडुलम। एक मान लो कि बॉब है, इसको बोलते हैं बॉब, बॉब चलता है आता है जाता है आता है जाता है आता है, ये बॉब है, ये आपका सेलिंग है, छत है, ये लेंथ है। तो यह जो ऑसिलेट करेगा, जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। ये हम ऐसे ही बता रहे हैं मेरे को बनाने के लिए, अगर नहीं भी बनाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे समय के साथ आपको अपने आ जाएगा, लेकिन कुछ जानिए इसको हम लिख सकते हैं 2π L^2½/g^2½, ठीक। तो इसमें लिखेंगे डेल टी बाई टी इंटू 100, ये हुआ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, और 2π कांस्टेंट इसको हटा देंगे, इसका पावर कितना है बोलो? हाफ, हाफ डेल एल बाई एल इंटू 100, प्लस इसका पावर कितना है? हाफ, हाफ डेल जी बाई जी इंटू 100। तो अगर तुमको परसेंटेज एरर लेंथ में देगा, परसेंटेज एरर लेंथ में देगा, परसेंटेज एरर जी में देगा, तो हम परसेंटेज एरर टाइम पीरियड में निकाल सकते हैं, हो गया? पहली बार इसको लिख लो, तो कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड, ओके? इसको लिख लो, लिख लिए, लिखिएगा पॉज करके लिख लो। कभी कभी क्या देता है, इसी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एरर दिया हुआ है और टाइम पीरियड में एरर दिया हुआ है, तो लेंथ में क्या एरर होगा? तो उस तरह नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये फॉर्मूले देंगे, ये फॉर्मूला को लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, टी स्क्वायर 4π² L/g, इसको स्क्वायर कर दिए, ये अपना कांस्टेंट है, ये अपना कांस्टेंट है, तो उसको हटा देंगे या रहने दो, कोई दिक्कत अभी नहीं है। हमको निकालना किसमें है? जी में, यानी कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर इन जी, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे बढ़ेंगे तो जी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 4π² L/t²
कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसी में जैसे पहले बनाए थे बना लेते हैं और घटा लेते हैं, वो गलत हो जाएगा। तरीका क्या है कि जिसको निकालना है उसको पहले निकाल लो, एकदम साफ थोड़ा कंसेप्ट प्रणाम सीधे, और थोड़ा सा पिक्चर क्वालिटी में अंतर आ रहा है, तो हम लोग मोबाइल से कर शूट कर रहे हैं। अभी कोरोना का प्रकोप चला हुआ है, बाहर तो निकल नहीं सकते हैं, लेकिन आप कंटेंट पर ध्यान दें, समझे कि नहीं। और अगर साउंड में प्रॉब्लम हो तो ईयरफोन का यूज करें, ईयरफोन का यूज करें और थोड़ा बहुत मैनेज कीजिए, लेकिन कंटेंट्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डेल जी बाई जी इंटू 100, फिर वही बात, कॉन्स्टेंट को हटा देते हैं, हटा देंगे इसको, डेल एल बाई एल इंटू 100 प्लस टू डेल टी बाई टी इंटू 100, ऐसे निकाल सकते हैं, लिख लो। तो अगर टाइम पीरियड में एरर मालूम हो, एल में मालूम हो, तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, लिख लो। देखो एक क्वेश्चन देखिए, चूं सारा क्वेश्चन बताना संभव नहीं है, ये कुछ बता देते हैं। आप लोग पढ़िएगा नाइन टेंथ में वी इज इक्वल टू आई आर, सुने करंट, टेंथ में साइड था। आई होता है इलेक्ट्रिक करंट, आर होता है रेसिस्टेंस। आई क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, आर क्या होता है, रेसिस्टेंस। लिखेंगे डेल वी बाई वी इज इक्वल टू डेल आई बाई आई प्लस डेल आर बाई आर। इसको पढ़ेंगे डेल वी बाई वी इज इक्वल टू डेल आई बाई आई प्लस डेल आर बाई आर पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखो जब हमको मिला परसेंटेज, अगर 100 से गुणा करें तो परसेंट मिल जाएगा। चलो पढ़ देते हैं, कर देते हैं, कर देते हैं, प्रैक्टिस पूरा करना है, खूब समझना है, इतना प्रैक्टिस करना है कि समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर, इसको बोलते हैं परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आई, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। उसी तरह से कुछ क्वेश्चन थे क्यू बराबर सी भी, ये तो तुम्हारे लिए कंप्लीट नया है, लेकिन जान लो ये क्यू होता है चार्ज, क्या होता है चार्ज, क्या होता है चार्ज, सी होता है कैपेसिटी, क्या होता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, नया टर्म है कोई बात नहीं, पढ़ ले जाओ। अब भी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये अभी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, कोई बात नहीं। डेल क्यू बाई क्यू डेल सी बाई सी प्लस डेल वी बाई वी, ठीक, इसका यूज आता है, लिखेंगे, लिख लो। तो इस तरह का फॉर्मूला है, आप लोग बनाइएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, दिक्कत होगा पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन एक दो करा देते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लिखो, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर एंड राइट द फॉर्मूला इन प्रॉपर लिमिट। ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने में स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, खूब ये बात। जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ हो इफ ए, अच्छा एक मिनट और, कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर प्रॉपर लिमिट, हाँ इफ ठीक है, ए इज इक्वल टू जीरो 10 ± 0.4, बी इज इक्वल टू 5 ± 0.2। कहने का मतलब हुआ ए में इतना एब्सोल्यूट एरर है, बी में इतना एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे। ये हो गया पहला क्वेश्चन होगा, मान लो कि ए बी, सेकेंड क्वेश्चन होगा ए बाई बी, जो मैंने लिखे हैं, थर्ड क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन अंदाज से दिए हैं ए बी स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन होगा ए स्क्वायर बाई बी क्यू, कुछ भी क्वेश्चन डालो ए ए स्क्वायर बी क्यू, जो मन में आए डाल दो, डाल दिए। हम कौन बता रहे हैं, चलो हम पहला ही बनाते हैं, पहला ही बताते हैं, ठीक, इस क्वेश्चन को लिख लो, लिखो लिखो, लिख लिए, पहला देखते हैं। सो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में है, तो पहला काम क्या करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू ए बी, क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ,
कि जब ए को मेजरमेंट करेंगे तो 10 ± 0.4 लिख सकते हैं, तो ए बी को मेजरमेंट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये है, या ए बाई बी को मेजरमेंट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर को मेजरमेंट करेंगे तो कितना लिख सकते हैं। समझ में तो आ गया होगा कि नहीं आया, बोलो नहीं आया। फिर से मान लो कि जेड ए बी है, डरना मत, सीखना आराम से सीखना, कलम को रख लो नीचे, अच्छी को बेल जेड बाई जेड, पहले तो पढ़ना सीख लीजिए, बेल बी बाई बी, देखो तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए बी प्लस माइनस डेल ए बी, मान यह हुआ उसका एक्चुअल वैल्यू और यह हुआ एक्चुअल वैल्यू में एरर, यही हमको लिखना है, मतलब आंसर वही है, आंसर ही तैयार करना है। कैसे लिखेंगे चलो इसको पढ़ते हैं, डेल जेड को एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी, क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी, तो डेल जेड कितना हुआ, जेड डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, क्या बोलते हैं डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी, तो अच्छा तो जेड है कितना बरोबर ए बी, कुछ नहीं करना बहुत सिंपल, ए डेल बी बाई बी, ठीक हो गया, दैट्स ऑल। ए कितना ए ए ए हाँ एक चलो कितना है 10, बोलो बोलो 10 10 10, बी कितना बोलो 5, बी कितना है 5, कुछ प्लस माइनस, अब देखो डेल ए कितना है बोलो 0.4, देख करके बोलो डे 0.4, डेल ए कितना बोलो 0.4, बाई ए कितना है 10, देख देखो 10 प्लस डेल बी कितना बोलो 0.2 बाई बी कितना है 5, ठीक है। अब इसको सोचिए 50 × 0.04 प्लस 0.04 और फाइनल कितना हो गया 50 × 0.08, यानी कि अब उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 40 = 40 और दो, ये शायद यही हुआ सही है, गुणा करो, क्या कर रहे हैं हम लोग, तो 50 × देखो 8/100, अब समझ में आ गया मेरे ख्याल से, शायद 4 आ गया, नहीं इसका आंसर होगा, देखो ए बी ए कितना है बोलो 10, अभी कितना है 55 प्लस माइनस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी, ए बी कितना बोलो एरर कितना 4, हो गया आंसर, यानी होगा 50 ± 4, यानी ए बी का एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया 50 और ए बी को मेजरमेंट करने में एरर कितना हो गया 4, तो ठीक है समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, लिखो इसको लिखिए पॉज कर लो लिखिए, हमको संतुष्टि नहीं हुआ, एक और बताते हैं, बोलो कोई बताओ कोई बताओ, मान लो कि एक क्वेश्चन है, कौन नंबर तरह मिला लेना, एक क्वेश्चन है मान लो कि ए स्क्वायर बाई बी क्यू का सारा क्वेश्चन अंदाज से दिए, हो सकता है कि सटीक बैठे एक क्वेश्चन, तो लेकिन लेट जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बाई बी क्यू, ठीक है देखते रहिएगा, तो वही बात आंसर क्या होगा मेरा, आंसर होगा ए स्क्वायर बाई बी क्यू प्लस माइनस डेल ए स्क्वायर बाई बी क्यू, ठीक है आंसर हो गया। अब आपको निकालना पड़ेगा ना, सीधे थोड़ी लिख देंगे आंसर, सीधे तो लिख नहीं सकते हैं, आपको निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा डेल जेड बाई जेड, अब हल्का लगेगा बोलो पहले लो पावर टू मैं डेल ए बाई ए प्लस 3 डेल बी बाई बी, भाई मेरे उबना नहीं आज, नहीं तो कल सीखना ही पड़ेगा, टफ होगा तो भागो नहीं, क्योंकि हर चैप्टर में एक दो पॉइंट होता है जो टफ होता है जिससे स्टूडेंट भाग जाता है, उसको पढ़ लो बाकी तो कॉमन है, ठीक है। तो डेल जेड कितना होगा, देखो जेड 2 डेल ए बाई ए, ध्यान देगा
प्लस थ्री डेल बी बाई बी, ज्यादा अच्छा बोलेगा यार लिखे तुम ठीक। हाँ अब बताओ जेड कितना है तुम्हारा, ए स्क्वायर बी क्यू, बहुत सिंपल बहुत सिंपल। अब बोलो टू डेल ए बाई ए प्लस थ्री डेल बी बाई बी, अब फिर ए कितना है बोलो, ए ए ए ए ए टेन, टेन स्क्वायर बाई बी क्यू फाइव क्यू, टू डेल ए कितना है बोलो वाई फोर बाई ए कितना है टेन प्लस थ्री डेल बी कितना है बोलो वाई टू बाई फाइव। कहने का मतलब आपको क्या निकल गया, इसको हंड्रेड इसको तुम खुद करो ठीक। तो आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ ए स्क्वायर बी क्यू, देखो आंसर क्या हुआ ए स्क्वायर ए कितना है टेन, तो टेन का स्क्वायर बाई बी क्यू फाइव क्यू प्लस माइनस, ये जो कैलकुलेट करने में आया है एक्स मान लो वाई मान लो यही आंसर होगा। पता था एक और बता देंगे हो जाएगा, हो गया ठीक, इसको लिख लो। कुछ क्वेश्चन आपके बुक में मिल गया हुआ है और देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। देखो मान लो क्वेश्चन इफ सी इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.4 ठीक, इसका यूनिट होता है फैराड माइक्रो फैराड, चलो कुछ भी होगा यूनिट नहीं मालूम, ऐसे होता है फैराड होता है एफ एफ, और भी होता है अब मान लो 5 प्लस माइनस 0.2 यूनिट, ये होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, कुछ भी होगा। तुम सोचो कि हाँ सोचता होगा कि बार बार सटते हैं 0.4 लिखते हैं फाइव, ये लिखते हैं कैलकुलेशन सुविधा के लिए और कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर अंक बदलने से डिजिट बदलने से कोई फर्क पड़ता होता नहीं है ठीक है ठीक है। तो क्या लिखे क्यू बराबर क्या होगा सी बी डेल क्यू बाई क्यू, क्या होगा सी इंटू बी डेल सी बाई सी प्लस डेल वी बाई वी, डेल क्यू कितना आ जाएगा क्यू डेल सी बाई सी डेल वी बाई वी ठीक है, और ये सी भी तो फिर तो पहले की तरह ही आ गया ना डेल वी आई वी। सी कितना बोलो सी देखो टेन प्लस माइनस सी अभी कितना बोलो फाइव ठीक है, अरे बोलना डेल सी बाई सी पॉइंट फोर टेन प्लस बी कितना है पॉइंट टू बाई फाइव फिफ्टी आई ये फिर वही बात जीरो पॉइंट जीरो फोर जीरो पॉइंट जीरो फोर ये कितना हो जाएगा फिफ्टी इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट ठीक है जो आएगा। तो आंसर क्या हुआ आंसर हुआ सी बी प्लस वन डेल सी बी, सी बी कितना होगा सी दस गुने पाँच प्लस माइनस जो आया आंसर, क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलो हो गया। चलिए सब पढ़ लिए हैं आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, हम लोग अब पढ़ेंगे लिस्ट काउंट, क्या पढ़ेंगे लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट वर्नियर्स लाइट कैलिपर्स स्क्रू गेज सारा का सारा टर्म इम्पोर्टेंट है, खासकर मेडिकल के लिए खासकर इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ तक जे एडवांस तक भी नहीं छोड़ता है, लेकिन सवाल उठता है कि आपको हम समझाएंगे कैसे, आप तो कभी देखे नहीं लेकिन हम कुछ बताएंगे, कोशिश करना समझने का। देखो इसको मिटा दे, अब तुम लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, सिर्फ समझो कि हम बोल क्या रहे, कोशिश करना समझने का, दिक्कत तो होगा ही क्योंकि आपके पास ना कोई इंस्ट्रूमेंट है ना मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है,
देखो तुम कभी स्लाइड कैलिपर्स देखा है प्रैक्टिकल में? अच्छा उससे पहले देखो लिस्ट काउंट, क्या देखो लिस्ट काउंट, देखो लिस्ट काउंट क्या होता है एकदम नया टर्म है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस विच इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, विच इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट वह होता है जो सबसे कम दूरी को माप सकता है। बोलता अक्सर क्या बोल रही है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बताते हैं। अपने पास एक स्केल होगा, ध्यान दो, घर में स्केल है, निकालो कॉपी में, सॉरी स्केल निकालो, अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जाओ, स्केल निकालो, निकाल लिए, ये अपना स्केल है। क्या है स्केल? तुम देखा होगा कि यहाँ पर तो जीरो होगा, अरे जीरो का लाइन लंबा रहता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम भले ही बड़ा बता दिए लेकिन समझिएगा कि क्या 1 सेंटीमीटर याद आया। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो 2 सेंटीमीटर। इधर है 1 2 3 4, ऐसे देखते हो ये किताब में, सॉरी स्केल में। तो एक तरफ होता है इंच, क्या होता है इंच, एक तरफ होता है सेंटीमीटर, एक तरफ एक साइड में क्या होता है सेंटीमीटर, एक साइड में क्या होता है इंच। तो इंच के लिए यह सबसे छोटा डिस्टेंस है, इंच के लिए यह सबसे सबसे छोटा डिस्टेंस है। तो यह इंच का क्या हुआ लिस्ट काउंट हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? लिस्ट काउंट, इससे कम को इंच के साइड का स्केल मेजरमेंट नहीं कर सकता है। उसी तरह से ध्यान देना, ध्यान देना, यहां पर ये बुझा रहा है एक गैप सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो छोटा जो गैप है, पता नहीं समझ में आ रहा दिख रहा है कि नहीं, सेंटीमीटर में जो छोटा जो गैप है ना वो कितना होता है 1 मिलीमीटर, क्या होता है 1 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना हुआ 1 मिलीमीटर। मतलब साफ है कि लिस्ट काउंट हर इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग होता है, बात खत्म। तो लिखे लिस्ट काउंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, बात खत्म। कहते यह सबसे कम डिस्टेंस होता है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि जल्दी समझ में नहीं आता है, मेरा अपना 23 साल का एक्सपीरियंस है, जल्दी समझ में नहीं आता है। हम एक बार दो बार जो पर देख लेते और बढ़ा देंगे, लेकिन क्लियर करना है, एक क्लियर करना है। तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, यह सबसे छोटा डिस्टेंस होता है जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। अब सामने में देख लिया कि जिधर इंच है, क्या इंच, उसका लिस्ट काउंट ये हो गया, और जिधर आपका सेंटीमीटर है उसका लिस्ट काउंट ये हो गया। कहने का मतलब है कि हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है, बात खत्म। मतलब कह सकते हैं लिस्ट काउंट एलसीडी है, लिस्ट काउंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग होता है, लिस्ट काउंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, नहीं आया तो झूठ बोलता, नहीं आया इसको लिखो पहले, लिख लिए। तो बताओ हर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट अलग अलग सेम? तो कोई बात बोलेगा कि सेंटीमीटर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है 1 मिलीमीटर, यानी इससे कम को नहीं माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं, लिख लिए ठीक। इसको बंद करो, लिस्ट काउंट क्लियर हुआ।
अब देखो एक होता है वर्नियर स्लाइड कैलिपर्स, ध्यान देना बाबू अब चल रहा है, नहीं होते एक क्लास और लेंगे, प्रॉब्लम साफ बनाएंगे, लेकिन बनाना है, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। वर्नियर स्लाइड कैलिपर्स, वर्नियर स्लाइड कैलिपर्स, देखो ये क्या होता है, आप प्लस टू में जाएंगे या इलेवंथ में जाएंगे, या हो सकता है किसी किसी स्कूल में टेंथ में भी कराया जाता हो, हालांकि अब तो कभी कराए नहीं होंगे ना किए हुए, बस लैब में जाना है, हंसी मजाक करना है, यही होता है, लेकिन घबराइए नहीं, उसमें भी एक्सपर्ट लोग होते हैं कराते हैं। तो क्या किए होंगे, अगर नहीं हो तो एक काम करो, तुम गूगल्स पे जाओ, मोबाइल है ना, उसमें लिखो स्लाइड कैलिपर्स, ये लिखो वर्नियर स्लाइड कैलिपर्स, पुश किए अब वो फिगर आ जाएगा, तो आप निकाल के देख लो, तब समझ जाए कि हम पढ़ा क्या रहे हैं, निकालो और किसी एक स्केल को जूम करो, तो हम जितना पढ़ाए सब क्लियर हो जाएगा, समझ आया। मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, और ना कोई हमको तुम देख रहा है, तुमको हम नहीं देख रहे हैं, तो एक काम एक ही उपाय है, तुम क्या करो जाओ गूगल्स में, समझता ही होगा, उसके बाद उसमें लिखो वर्नियर स्लाइड कैलिपर्स, क्या लिखेंगे वर्नियर स्लाइड कैलिपर्स, देख लिए और अंदर जाओ उसको पुश करो, आ गया, बहुत सारे स्केल आ गया, उसमें से किसी एक स्केल पर जूम करो, ढंग का स्केल, वो टफ वाला नहीं, सिंपल स्केल को पुश करो थोड़ा जूम करो, उसमें